सब्सक्राइब कीजिए लर्न सबको चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित गढ़ आपको फिर से स्वागत करता हूँ लर्न सबको डॉट इन पर। दोस्तों मैं फिर आज हूँ नई जानकारी के साथ। जानकारी है कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश का रंग नीला ही क्यों है, जबकि प्रकृति में और भी रंग हैं, इसका रंग काला पीला हरा क्यों नहीं है? तो आज हम इसी तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में एक स्थान होता है जिसे हम क्षोभमंडल कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं जैसे कि आंधी तूफान चक्रवात आदि सारी घटनाएं इसी क्षोभमंडल में जन्म लेती हैं, और इन घटनाओं के कारण इस क्षोभमंडल में छोटे छोटे धूल के कण हमेशा विचलित करते रहते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें लाल सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। अब ये सारे रंग तरंग दैर्ध्य के हिसाब से वायुमंडल में विचरण करते हैं, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जब सूर्य का प्रकाश क्षोभमंडल में प्रवेश करता है तो क्षोभमंडल सूर्य के प्रकाश के लिए प्रिज्म का कार्य करता है और उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है, यानी कि 7 रंगों में बांट देता है। अब तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल पीला ये रंग कम बिखरते हैं, और तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण नीला और बैंगनी रंग ज़्यादा बिखरते हैं, और यही कारण है कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अब हम इसके विपरीत हम बात करते हैं रात को, क्योंकि रात को पृथ्वी पर कोई प्रकाश नहीं होता है तो इसलिए हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।